क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था, द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राजानंद का। और हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि वो बच्चा सारे दृश्य देखते हुए उन सब के प्रति आकर्षित होता है, और उसका आकर्षण लगातार एक वस्तु से हटकर दूसरे वस्तु की ओर हो जाता है, लगातार उसका आकर्षण शिफ्ट होता रहता है। और हर वस्तु वह पाना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का अनुभव है, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी उसे अनुभव है कि माता पिता मना कर देंगे, और वो संतोष कर जाता है, चुप लगा जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन अंत में वो एक झूले के पास पहुंचा है और झूले को देखता है, गोल गोल घूमने वाले झूले को, लोगों को उस पर झूलते हुए, और इस बार वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस बार काफी बोल्डली, काफी दृढ़ता से, जोर से वो अपनी बात पे काफी जोर देकर इस बात को कहता है कि माता पिता या मम्मी पापा, मैं इस झूले पर झूलूंगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जैसे ही बच्चे ने ये बात कही, तुरंत उत्तर की आशा होती है कि भाई माँ बाप या तो मना कर देंगे या मान लेंगे, आशा कम ही थी मानने की, तो इसीलिए जोर देकर कहा था कि भाई अब वो जिद करने के मूड में आ चुका था। अब उसकी हालत ये थी कि बिल्कुल अब इस भावना से जुड़ जाओ कि बच्चा कितनी चीजों को नेगलेक्ट किया, कितना उसने सह लिया, सारी चीजें उसने छोड़ी थी, अब ये उसकी भावना बिल्कुल तीव्रतम भावना है कि अब ये उसे चाहिए ही चाहिए। और होता क्या है, जैसे ही वो बुलाता है कि मुझे, मम्मी पापा को बुलाता है, कहता है कि मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है, इसके आगे देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। तो जैसे ही उसने कहा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मम्मी पापा मैं इस झूले पर जाऊंगा, जाना चाहता हूँ, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो टर्न, वो मुड़ गया, पीछे की ओर मुड़ के देखना चाहा, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो उसके सामने वे लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ईदर साइड, ईदर ईदर मतलब दोनों दोनों ओर देखा, दाहिने भी बाएं भी दोनों ओर देख लिया, दे वर नॉट देयर, वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे मुड़ के देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहां भी उनका कोई चिन्ह नहीं था, यानी वो नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in red fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing nowhere to go. "Mother, father!" He wailed with a moist, shrill breath now, his throat being wet with swallowing the spittle. His yellow turban came untied and his clothes wet with perspiration became muddy where the dust had mixed with the sweat of his body. His light frame seemed heavy as a mass of lead. अब जब छोटा सा बच्चा, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये लगभग 3 साल 4 साल के आसपास आयु होगी, इससे अधिक नहीं। फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, बिल्कुल गला सूख गया था घबराहट के मारे, भय के मारे, बिल्कुल एकदम जोरदार चीख निकल गई उसके गले से, एकदम गहराई से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक से जैसे कि उसकी देह को झटका सा लगा, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहां खड़ा था वहां से दौड़ पड़ा, क्राइंग इन रेड फियर, बिल्कुल भय के मारे वो लाल था और चिल्ला रहा था जोर जोर से, मदर फादर, यानी मम्मी पापा या जो भी कहता होगा अपने माता पिता को, वो कहते हुए चिल्लाने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, आंसू रोल डाउन, लगातार लुढ़कते चले आ रहे थे उसकी आंखों से, हॉट एंड फियर्स, और काफी जल्दी जल्दी आंसू आ रहे थे, जैसे कि कोई आदमी बड़े क्रोध में दौड़ता है उस तरह आंसू भी दौड़ रहे थे, और हॉट, गर्मा गर्मा आंसू, आंसू गर्म ही निकलते हैं। His flushed face was convulsed with fear, और उसका चेहरा फ्लश्ड हो गया था, फ्लश्ड मतलब बिल्कुल उसके रंग लाल टाइप का हो गया था, काफी ऐसे चेहरा
एंड कन्वर्स्ड विद फियर, और भय के मारे चेहरा ऐंठ सा गया था, अजीब सा चेहरा हो गया था, भय लग रहा था उसे। पैनिक स्ट्राइकन, बिल्कुल भयभीत। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, बिल्कुल भय इसके मारे एक और पहले दौड़ता फिर दूसरी ओर दौड़ता। हिदर एंड इधर, हियर एंड देयर का ही ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शंस, प्रत्येक दिशाओं में। नोविंग नो वेयर टू गो, समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं। नोविंग नो वेयर टू गो, देखो कितना सुंदर है। नोविंग जानता था कहाँ जाऊं, नो वेयर यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। देखो इसका उल्टा करके अर्थ निकलेगा हिंदी में। Knowing nowhere to go, mother, father, he wailed with a moist, shrill breath. Now, अब वो फिर अपने मम्मी पापा चिल्ला रहा था, wailed यानी विलाप कर रहा था जोर जोर से रोते हुए, with a moist, अब उसका गला moist यानी नमी था गले में, क्यों नमी थी, और shrill breath, बड़ी तेज आवाज में सांस ले रहा था, चिल्ला रहा था, his throat being wet, गला भींग गया था, with the swallowing the spittle. जो स्पिटल जो लार मुंह में लगातार बन रही थी रोते समय, तो वो निगल रहा था बच्चा लगातार, इसलिए अब गला भी उसका नम। His yellow turban came untied, जो पीले रंग की पगड़ी बांध रखी थी, सभी लोग ही बांधे थे, हमने शुरुआत में देखी पीले कपड़े पहन के लोग जा रहे थे, तो वो बिल्कुल खुल गया था, खुल के गिर विर गया कहीं कुछ भी हुआ हो। एंड हिज क्लोथ्स वेट विद परस्पिरेशन, और उसके जो क्लोथ्स थे जो उसके वस्त्र थे वो बिल्कुल पसीने से गीले हो गए थे। बिकेम मडी, और वो कीचड़ से सन गए, क्यों कीचड़ से सन गए, वेयर द डस्ट हैड मिक्स्ड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि पसीने से कपड़े भींग गए, कॉटन के ही कपड़े लोग पहनते थे पहले, या जो भी कपड़े रहे हों ज़्यादा चांसेस यही कॉटन के रहे होंगे, खूब पसीना हुआ, मेले की धूल, बच्चा इधर उधर भाग रहा था, बिल्कुल कीचड़ जैसे हो गए कपड़े। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हेवी एज अ मास ऑफ लेड, लाइट यानी हल्का, अब उसका ढांचा उसकी देह बच्चे की देह कितनी हल्की होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लेड की तरह भारी। लेड तुम लोग जानते हो कि शीशा, ये काफ़ी भारी एक मेटल होता है, शीशा मतलब आईना मत समझना, ग्लास नहीं, लेड का फॉर्मूला Pb होता है ना, सही बता रहा हूँ, चलो तो उसकी तरह भारी। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी through his filmy eyes men and women talking he tried to look intently among the patches of bright yellow clothes but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking having run to and fro in a rage of running bilkul jaise daura pad jaye daudne ka daura usko pad gaya to and fro yahan wahan charo or daud bhag karke for a while he stood defeated kuch pal ke liye wo haar maan ke His cries suppressed into sobs, और वो जोर जोर से जो चीख रहा था अब उसकी वो चीख दब गई थी और हिचकियों के रूप में आ गई थी। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes, थोड़ी दूरी पर देख रहा था हरे भरे घास के मैदान में, filmy eyes आंखें फिल्मों वाली, फिर पानी की परत, एक फिल्म का काम करते, फिल्म का मतलब एक झीना पर्दा, एक परत, उसकी आंखों के आगे परत थी आंसुओं की, तो बहुत स्पष्ट नहीं देखता, उन आंखों से वो देख रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, पुरुष और महिलाएं बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, पैचेस येलो क्लोथ्स पीले कपड़ों के धब्बे दिख रहे हैं क्योंकि आइस फिल्मी है, बहुत क्लियर नहीं, धब्बे दिख रहे हैं पीले कपड़ों के, वहाँ लोग ढेर सारे पुरुष और महिलाएं हैं। इंटेंटली बड़ा प्रयास करके बड़ा जोर दे के देख रहा है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों में उसके माता पिता का कोई चिन्ह नहीं था, हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि ये लोग बस इसलिए हंस रहे थे, इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि बस उन्हें हंसना था और बात करना था, यानी कोई मतलब नहीं था, आनंद मनाने गए हैं तो बस यूं ही हंस रहे हैं, यूं ही बात कर रहे हैं। उसने बहुत प्रयास करके देखा और यहाँ उसे माता पिता का कोई चिन्ह नहीं देखा। He ran hotly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering
mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with lashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with very great difficulty, lifted him up in his arms. बच्चा चारों ओर दौड़ भाग चुका है, बिल्कुल पसीने से तर बतर, कीचड़ धूल मिट्टी से सन गया है, रोते रोते वो थक चुका है, अब सिसकियां ले रहा है और फिर खड़े हो के अब देखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं उसके माता पिता दिख नहीं रहे। जहाँ भी भीड़ उसे दिख रही, लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जान रहा है कि हमारे माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता होते तो वो भी चिंतित होते। तो फिर से दौड़ा, कुछ देर रुका, ही रैन हॉटली अगेन, बड़े बहुत ज्यादा परेशान होकर, घबरा कर, बेचैन होकर फिर से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और इस बार एक श्राइन पे पहुंचा, एक मंदिर जैसी जगह पे पहुंचा, किसी देवस्थान पे पहुंचा। वहां पे लोग सीम टू बी क्राउडिंग, जहां लोगों की भीड़ जुट रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, हर इंच यानी भूमि का एक एक इंच भी खाली नहीं थी, भयंकर भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच बीच में से दौड़ रहा था, पैरों के बीच बीच में से वो रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। हिज लिटिल सॉब्स लिंगरिंग मदर एंड फादर, और छोटी छोटी उसकी सिसकियां अब भी आ रही हैं, हिचकी ले लेके रो रहा है और बार बार बोले जा रहा है, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जब टेम्पल के एकदम दरवाजे के पास पहुंचा, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत अधिक हो गई। वेरी थिक का मतलब गाढ़ा होता है, तो यहाँ गाढ़े का अर्थ ऐसा नहीं है, यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई, यानी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा थे। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल्ड मतलब धकियाना मुकियाना, कभी नवरात्र में विंध्याचल चले जाओ तुम्हें पता चल जाए, ठीक है, अभी आएगा उसमें सफल कौन, मेरे जैसे आदमी सफल नहीं हो पाते, कंधा नोच के निकाल लेंगे, हाँ यार कंधा नोच लेंगे, लंबाई कम रहे तुम्हारी मुंडी नोच के निकाल देंगे, पता नहीं लोग मर जाते, जरा भगदड़ होती है लोग मरते हैं कई बार, हर जगह की यही हालत है, भगदड़ होती है। हज में करने जाते हैं, वहां एक भगदड़ मची तो पत्थर मारने कई लोग कुचल गए, कुचल जाते हैं, उसमें ज्यादातर मरे कौन, औरतें बेचारी बूढ़े, जो भी कमजोर रहेगा वही मरेगा। अब इसमें देखो आ रहा है आगे, मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे पुरुष, हेवी मैन, हेवी समझते हो ना भाई, मेरे ठीक ऑपोजिट, मेरे जैसा आदमी धक्का मुक्की थोड़ी करेगा, मेरी हालत तो ये है कि बस में खड़ा था, एक मिला पीछे से बार बार मुझको धक्का दे रहा था, मैंने कहा यार चिढ़ गया, पहली बात तो बोलता नहीं हूँ भाई, जानता हूँ बोल के करूंगा क्या, शरीर में जब मांस नहीं है, शक्ति नहीं है, बर्दाश्त करो भाई, सहन करो, नहीं बर्दाश्त, मैंने कहा यार कब से आप धक्का दे रहे भाई साहब, तो पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब एकदम दैत्याकार लिखा है ना, हेवी खड़े हैं, उनका पेट भी भाई सिंटेक्स की 1000 लीटर की टंकी समझो, कह रहे का रे धक्का के दे तो के सियो न ले ठीक है, ये भी मैं, हाँ भाई अब कोई 1 क्विंटल 20 किलो का आदमी होगा तो सांसव लेगा तो मेरे लिए धक्का है नहीं है। तो चलो अब गंभीर हो जाओ, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत सीरियस चल रहा है। With lashing murderous eyes, देखो आंखें लाल लाल, खून से भरी आंखें, क्रोध में एकदम भरपूर, धक्का मुक्की में क्रोध ही तो आएगा, अब क्रोध भाई तुम्हारे जैसा हमारे जैसे आदमी का क्रोध किस काम का, चलो। And hefty shoulders, hefty एकदम वही विशालकाय डायनासोर टाइप का कंधा,
ऐसे ऐसे कंधे वाले पुरुष वहां धक्का मुक्की कर रहे हैं और उसमें ये बेचारा छोटा सा बालक। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, पैरों के बीच धक्का मुक्की करके सोचा कि रास्ता बना लूं। पुअर यानी बेचारा, नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल लेकिन इतनी क्रूरता से वो गति कर रहे थे वो बड़े बड़े पुरुष वहां, मजबूत मजबूत लोग, शक्तिशाली लोग, कि उनके धक्के से इधर उधर टू एंड फ्रो यहां वहां फेंक दिया जा रहा था बच्चा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, इधर फेंका रहा है उधर फेंका रहा है, वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल्ड कुचल जाना, पैरों के नीचे वो कुचल ही गया होता, हैड ही नॉट श्रीक्ड, यदि वो नहीं चीखा होता। अब ऐसा सेंटेंस देख लो कैसे ट्रांसलेशन बनता है, सुन रहे हो मौर्या जी, देख लो ऐसा ट्रांसलेशन अलग से नहीं, इसे देखो चैप्टर से, यदि ऐसा न किया होता तो ये हो गया होता, देख लो कैसे बनता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपने गले की मैक्सिमम पावर से अगर न चिल्ला दिया होता तो संभवतः पैरों के नीचे कुचल गया होता। बड़ी तेज क्या चिल्लाया, फादर मदर, और जैसे ही चिल्लाया अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, और उस सर्जिंग उस भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की वाले भीड़ में एक आदमी ने हर्ड हिज क्राई, उसकी चिल्लाहट को सुन ले, एंड स्टूपिंग, और झुकते हुए विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े कष्ट से झुक पाया वो व्यक्ति, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी बाहों में उठा लिया। ठीक है।